ये है द मोस्ट अंडररेटेड सिनेमैटिक यूनिवर्स जिसका नाम है ड्यून। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि ड्यून की स्टोरी क्या है और ड्यून का यूनिवर्स कितना बड़ा। तो यार इस सिनेमैटिक यूनिवर्स की स्टोरी 1965 में आई बुक सीरीज पे बेस्ड है जिसका नाम है ड्यून। और अब तक इस सीरीज में 30 से भी ज्यादा बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं, जिससे आप गेस कर सकते हो कि ये यूनिवर्स कितना बड़ा है। और अब बात करें इसकी स्टोरी लाइन की, तो ड्यून की स्टोरी 10,000 साल बाद फ्यूचर पे बेस्ड है। और ये ऐसा फ्यूचर है जहाँ ह्यूमंस ने इंटरस्टेलर स्पेस ट्रैवल को अचीव कर लिया है, और इतने डेवलपमेंट के बाद जाहिर सी बात है हमें वॉर देखने को मिलेगा। और इस सीरीज में वो वॉर हमें ह्यूमंस वर्सेस रोबोट के फॉर्म में देखने को मिलता है। वॉर के आउटकम्स को देख के अब ह्यूमन सारी एआई टेक्नोलॉजीज को यूज और डेवलप करने पे बैन लगा दे। अब इतना डेवलपमेंट होने के बाद जब ह्यूमंस बिना एडवांस टेक्नोलॉजी के सरवाइव नहीं कर पाते तो वो खुद को इवॉल्व करना शुरू कर देते हैं। और इस सीरीज में हमको एग्जांपल देखने को मिलता है जैसे मेंटर्स। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने ब्रेन को डेवलप कर लिया है जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को इजीली सॉल्व कर देते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे ग्रुप्स फॉर्म हुए इस सीरीज में विद डिफरेंट पावर। अब आता है इस सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, स्पाइस। तो यहाँ स्पाइस एक ऐसी चीज है जो एज अ फ्यूल काम आता है, और इसको कंज्यूम करने के बाद ह्यूमंस की बॉडी की ड्यूरेबिलिटी और उनके पावर्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। और स्पाइस पूरे यूनिवर्स में बस एक प्लेनेट में मिलता है जिसका नाम है इकारिस। और यहाँ सिंपल सा फैक्ट ये है कि जो अकारिस को रूल करेगा वो पूरे यूनिवर्स को रूल करेगा। इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में अब तक हमें दो मूवीज देखने को मिली जिनका नाम है ड्यून पार्ट 1 एंड ड्यून पार्ट 2।